जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, वीडियो 2018 वाले अपने ज्वाइनिंग को लेकर जो है परेशान है, और आप जो है ये ऑफिशियल नोटिस भी जो है देख सकते हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है बताने जा रही हूँ कि वीडियो 2018 की ज्वाइनिंग का जो है आपको जो है कब जो है मेल लेटर आएगा, यानी कि स्पीड पोस्ट से आएगा या फिर मेल आएगा। साथ ही में जो है मैं आपको VPO का जो है आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट, और साथ ही साथ आपकी जो है जो आपकी समाज कल्याण पर्यवेक्षक है, ठीक है, उसकी जो है अपडेट जो है देकर आ रही हूँ। तो इस वीडियो में जो है आप जो है बने रहना। सभी को सबसे पहले जो है नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब जो है आगे जो है बात कर लेते हैं आपके जो है इस पे ज्वाइनिंग को लेकर, क्योंकि इतने टाइम बाद जो है ये आपकी जो है घड़ी आई है। 2018 की भर्ती, 1953 पद की जो भर्ती है, इसका फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये जो है 12 सितंबर को जो है आउट हो गया था, ठीक है। और इस बारे से जो आउट हुआ था तो ये सबसे बड़ी जो है खुशी की घड़ी थी, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिख रहा था कि जो ये पद हैं आपके ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी और आपके समाज कल्याण पर्यवेक्षक के जो 1953 के पद थे उसके सापेक्ष चयनित 1950 अभ्यर्थियों का यहाँ पे जो है रिजल्ट जो है आउट हो गया था। तो सिर्फ जो है तीन लिस्ट में जो है नाम रह गए थे, तो क्या उन तीन के लिए भी जो है सेकंड लिस्ट जो है आउट की जाएगी, उस पर भी जो है बात करूंगी। बहुत सारे कैंडिडेट जो है परेशान है कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे पद जो है भर चुके थे 1950 पद, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भर चुके थे। चलिए सबसे पहले बात कर लेती हूँ। तो दोस्तों समाज कल्याण पर्यवेक्षक की अगर मैं बात करूँ, तो समाज कल्याण पर्यवेक्षक की जो भर्ती है उन कैंडिडेटों को जो है उनको जो है मेल जो है आ चुका है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, उनको मेल आ चुका है ज्वाइनिंग के लिए। अब वो जो है 14 अक्टूबर को जो है अपने जो है ज्वाइनिंग के लिए जो है जाएंगे, ठीक है। 14 अक्टूबर को उन्हें जो है बुलाया गया है। मैं बात करूं वीडियो 2018 की, तो इनका ज्वाइनिंग लेटर जो है कब आएगा और क्या क्या जो है इन्हें जो है डॉक्यूमेंट जो है चाहिएंगे, आपका जो है आपको स्पीड पोस्ट आएगा या फिर आपको जो है मेल आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट तो इसी चीज़ को लेकर परेशान है, स्पीड पोस्ट के द्वारा बुलाया जाएगा या मेल आएगा, होगा तो होगा क्या। पहले ज्वाइनिंग के जो है प्रोसेस समझ लीजिए, आपको जो है क्या क्या जो है ज्वाइनिंग के लिए जो है लेके जाना होगा। वीडियो 2018 VPO की भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी वो भी बताऊँगी। तो देखिए बात जो है इसमें क्या क्या लेके जाना होता है, सिंपल सा होता है। एक तो आपको जो जब ये बुलाते हैं तो एक तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है आपका DV में जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट जो है आपको लेके जाने। कुछ अदर डॉक्यूमेंट इसमें जो है ऐड हो जाते हैं, जैसे कि आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है बनवाना होता है। यहाँ पर लिख देती हूँ, एक तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ज्वाइनिंग के टाइम पे ले जाना होता है जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना होता है। दूसरा सर्टिफिकेट जो ऐड हो जाता है वो आपका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट इसमें ऐड हो जाता है, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको स्कूल से बनवाना होता है। तीसरा सर्टिफिकेट जो इसमें ऐड हो जाता है वो होता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। और जो चौथा सर्टिफिकेट है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है या फिर आपके और सर्टिफिकेट है, वो जो आपको DV में जो सर्टिफिकेट लेके जाने होते हैं वो सर्टिफिकेट ये जाते हैं। ये तीन सर्टिफिकेट जो है आपके इसमें जो है ऐड जो है हो जाते हैं, जो आपको जो है लेके जाने होते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कब जो है आपको जो है ये मेल जो है जो वीडियो 2018 वाली है उनकी जो है ज्वाइनिंग जो है कब होगी। तो दोस्तों देखो अलग अलग मुँह से तो अलग अलग बात करी जा रही है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है ऐसा भी कह रहे हैं कि इस पे जो है RTI केस जो है फाइल हो चुका है और जो है अभी जो है ज्वाइनिंग जो है नहीं आएगी, लेकिन आप उनकी जो है बेकार की बातों में मत आना। 14 अक्टूबर को जो है समाज कल्याण पर्यवेक्षक को रोज़गार मेला आ रहा है, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर जो है दिए जाएंगे। तो आपको जो है उससे पहले ही यानी कि 10 से 12 अक्टूबर के बीच में वीडियो 2018 वालों आपका जो है दोस्तों ज्वाइनिंग का जो है आपका जो है मेल जो है आपको जो है आ जाएगा, चाहे वो आपके आसपास के जो पोस्टमैन हैं वो स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है लाएँ, ठीक है, या फिर आपको जो है मेल आए, दोनों में से एक चीज़ जो है आ जाएगी, जिससे जो है आपको जो है डाउट जो है क्लियर जो है हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ मैं VPO वालों की। VPO वालों का जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो है कब जारी होगी, यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी वालों की कब होगी भाई VPO डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, उन्हें कब मिलेगा अपना जिला आवंटन, जिससे उन्हें पता चल सके
कि कब जो है कहाँ कहाँ उन्हें पोस्टेड किया गया है। तो दोस्तों इसी अक्टूबर में जो है आपको जिला आवंटन, आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी जो है आपको जो है दे दिया जाएगी कि आपको जो है कहाँ कहाँ जो है भर्ती जो है आपकी कहाँ कहाँ जो है पोस्टेड आप जो है होगे। ठीक है दोस्तों, तो तैयार रहना, इसी अक्टूबर में मिलेगी आपको, हो सकता है 4 से 5 अक्टूबर के बीच में ही आपको ये जो है गुड न्यूज़ जो है मिल ले, यानी कि कल भी मिल सकती है, परसों भी मिल सकती है, उससे पहले दिन इन्हीं डेट में मिल लेगी, 4, 5, 6, ठीक है, इसी डेट में आपको जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो है अपडेट भी जो है मिल जाएगी। अब मैं बात कर लेती हूँ भाई सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वैकेंसी तो भर चुकी है, पद जो है यहाँ पे भर चुके हैं। ये था फाइनल रिजल्ट जो आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है अनारक्षित के सबके जो है पद जो है भर चुकी थी। तो क्या सिर्फ 3 पदों के लिए जो है लिस्ट जो है जारी की जाएगी? तो मैं आपको बता दूँ, जो भी प्रक्रिया होगी दोस्तों वो ज्वाइनिंग के बाद ही जो है पता चलेगी, ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद ही पता चलेगी, जब वीडियो वाले जो है ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगी कि लिस्ट आउट होगी नहीं होगी। इसमें सारे कैंडिडेट जो है ज्वाइन नहीं होंगे, इतना आप समझ लीजिए, बहुत जो है स्किप करेंगे, बहुत स्किप करेंगे, क्योंकि जो पोस्टेड होते हैं वो अपने जो है जगह के अनुसार जो है उन्हें पोस्टिंग नहीं मिलती है, बहुत दूर दूर जो है पोस्टिंग मिलती है, कुछ की हेल्थ ख़राब हो जाती है, कुछ का जो है वहाँ पे जो है वातावरण एटमॉस्फेयर जो है पसंद नहीं आता है, तो स्किप भी जो है कर देते हैं। जब यहाँ से सीट खाली होंगी तो तब जो है सीट जब ज़्यादा होंगी खाली तो आपकी फिर सेकंड लिस्ट में जो है ऐड जो है कर दी जाएगी। तो इस प्रक्रिया में आप ये मान सकते हो कि दोस्तों अक्टूबर में तो इनकी वो ही आएगी, तो इस प्रक्रिया में लगभग जो है 1 मंथ जो है लग जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा वेट करना है तो आप कर सकते हैं कि 22 से 25 नवंबर के आसपास आपको अपनी जो है सेकंड लिस्ट का नोटिस जो है देखने को दोस्तों मिलेगा, समझ रहे हो। और अगर आपको मेरे चैनल पे UP SSC की अपडेट भी चाहिए कि UP SSC में कौन कौन सी जो है पोस्ट होती हैं, तो उस पर भी मैंने एक अलग स्पेसिफिक वीडियो जो है बना रखी है, जिसमें किस में अच्छी ज़्यादा सैलरी है, वो वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जो है देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और बहुत जल्दी जो है जो VPO का जो मेंस एग्ज़ाम है उस पर जो है अपडेट दूंगी, जो कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं उसका जो है अभी मेन एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है, SDA वाले परेशान है, कंबाइंड टेक्नीशियन वाले फाइनल रिजल्ट को लेकर परेशान है। उम्मीद करती हूँ जो भी है आपको जो है सारी अपडेट जो है मिल गई होगी आज के इस वीडियो में। प्रिफ्रेंस लेटर के लिए पूछ रहे हैं तो उसकी भी अपडेट जो है, सारी फुल वीडियो देख लो, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में जो है मिल जाएगी कि क्या क्या जो है लगता है, मैंने सब कुछ जो है बता दिया है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, सब कुछ जो है मैंने बता दिया है आपको। तो अब आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।